गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं ये मेकअप लुक क्रिएट करूंगी बट विदाउट एनी टूल्स लाइक नो मेकअप ब्रशेस, नो ब्यूटी ब्लेंडर्स, ओनली विथ योर फिंगर्स। सो मेरे लिए भी ये थोड़ा सा चैलेंज था कि मैं एक्चुअली कर पाती हूँ या नहीं। सो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये लुक क्रिएट करूं और ये लुक आपको पसंद आए। तो ज्यादा बातें ना करते हुए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने इस लुक को कैसे अचीव किया है, देन कीप वॉचिंग। सबसे पहले स्टार्ट ऑफ करूंगी क्लीन फेस से और उसके बाद मैं ले लूंगी गुड वाइब्स का ये रोज हिप सीरम। ये ग्लो सीरम है गाइस और ये सीरम बहुत बहुत अच्छा है। इसके कुछ ड्रॉप्स मैं अपने चेहरे पर लगा लूंगी और हल्के हाथ से इसका मसाज करूंगी। और आप देखेंगे जितना आप मसाज करेंगे एक बहुत प्यारा सा ग्लो आएगा आपके स्किन पे। ये देखिए कितनी प्यारी सी एक ग्लो आ गई है और इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी है। गुलाब के बागीचे में है ऐसी फील आती है, बहुत फ्रेश लगता है। कंसीलर के लिए मैं आज यूज़ करूँगी शीयर कवर का ये कंसीलर। यू कैन सी आई हैव हिट द पैन ऑलरेडी। ये मेरा बहुत फेवरेट कंसीलर है। इसमें से इसका डार्क शेड लेकर के मैं पहले अपने जो इम्परफेक्शंस हैं, डार्क सर्कल्स हैं, उनको मैं कैंसिल आउट कर लूँगी। बाद में मैं फाउंडेशन लगा के इसमें से जो इसका हाइलाइटिंग शेड है उसको लेकर के मैं फिर एज अ हाइलाइटर उसको यूज़ करूँगी। काफ़ी हाई कवरेज कंसीलर है गाइस, क्रीमी प्रोडक्ट है। समर्स में तो खैर मैं यूज़ कर नहीं सकती, विंटर के लिए मेरे को ये बहुत पसंद है और ये मेरा वन ऑफ द फर्स्ट कंसीलर में से एक है। अराउंड द माउथ भी मेरी थोड़ी सी डार्कनेस है तो मैं इसी कंसीलर को अराउंड द माउथ लगा लूँगी और बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। सिंस आज हम लोग कोई ब्लेंडर या ब्रश यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ब्लेंडिंग हमको बहुत अच्छे से करनी है स्किन के साथ ताकि बिल्कुल एक जैसा हो जाए। आज मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही, उसकी जगह मैं ले रही हूँ गार्नियर का ये बीबी क्रीम। बहुत अच्छा लगता है मुझे। वैसे भी मुझे फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं तो मैं अपने डेली के लिए मैं यही लगाती हूँ। डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी और उसके बाद इसको अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी। अब आती है अपने फिंगर्स को काम में लाने की बारी। तो डैब 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 करके मैं इस पूरे बीबी क्रीम को अपने चेहरे पर डैबिंग मोशन में स्प्रेड करूंगी। ये मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है बीबी क्रीम को यूज़ करने का। इससे कवरेज बहुत अच्छे से मिल जाती है और प्रोडक्ट बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। जहाँ जहाँ हमने कंसीलर लगाया है मैं वहाँ वहाँ इसको रब नहीं करूंगी, वहाँ वहाँ बस एक हल्का सा डैबिंग मोशन में मैं इसको लगाऊंगी और बाकी जहाँ पर कंसीलर नहीं है वहाँ मैं इसको यूजुअल रेगुलर क्रीम की तरह मैं उसको अच्छे से लगा लूँगी। जिस तरह से फाउंडेशन को भी हम अच्छे से लगाते हैं अपने हेयर लाइंस और कानों के आसपास और नेक एरिया हम नहीं छोड़ते, उसी तरह इसमें भी हमने लगाना है अच्छे से। और ब्लेंड पर ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि हम कोई ब्यूटी टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं। और गाइस माफ़ी मांगना चाहूँगी, आज बैकग्राउंड में मेरे बहुत ज़्यादा शोर है। मैंने आपसे शेयर किया था कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, बर्थडे पार्टी है, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब वापस से उसी कंसीलर को लूँगी और उसका जो लाइटर शेड है उसको अपने अंडर द आईज़ लगा लूँगी टू हाईलाइट। ये मेरा शेड मीडियम टैन है और ये अगेन मैं आपको बताऊँ कि ये बहुत अच्छा कंसीलर है गाइस, बहुत बड़ा ब्रांड है और इसका हाई कवरेज है। आप देख सकते हैं ये सारे इम्परफेक्शंस को कैंसिल आउट कर लेता है और एकदम अंडर आई को ब्राइटन अप कर देगा। बट हाँ, क्योंकि हम कुछ मेकअप वो टूल्स यूज़ नहीं कर रहे तो हमको ब्लेंड बहुत 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 अच्छे से करना पड़ेगा। अब दूसरी वाली आँख के नीचे भी सेम प्रोसेस में लगाएंगे और उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। ब्रिज ऑफ द नोज को भी मैं हाईलाइट करूँगी इसी कंसीलर से, अपने फोरहेड को, क्यूपिड्स बो, चिन एरिया और उन सबको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब आती है पूरे फेस को सेट करने की बारी। उसके लिए मैं लूँगी रेवलॉन का फोटो रेडी टू वे पाउडर फाउंडेशन। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये गाइस।
इसको आप क्योंकि हम कोई ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इसी के साथ जो स्पंज आता है तो ये हम इसी से ही इसको यूज़ कर लेंगे। बहुत अच्छा कवरेज है इसका और ये टू वे पाउडर फाउंडेशन है, तो अगर आप गीले ब्यूटी ब्लेंडर से यूज़ करें तो इट विल एक्ट एज़ योर फाउंडेशन, और ड्राई में आप इसको पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कवरेज है, समर्स में भी ज़्यादा कुछ ना लगाओ, सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र लगाओ उसके ऊपर ये कॉम्पैक्ट लगा लो, देन यू आर गुड टू गो। निविया के सॉफ्ट रोज़ लिप बाम से मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। आई शेडो के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ SFR कलर का आई लक्स मस्मराइजिंग शेड नंबर 1। हाईली पिगमेंटेड पैलेट है ये गाइस, क्वाड है इनफैक्ट। इसका मैं थोड़ा सा स्वॉच आपको दिखाऊं, ये आप देखो इसके कलर्स, इसका जस्ट कलर पे ऑफ देखो। अब इसमें से ये ब्राउन वाला शेड लेके, ये सारे शिमर शेड्स हैं गाइस, सिर्फ एक ही जो लाइट वाला शेड है वो मैट है, तो ये वाला कलर पिक करके मैं अपने फिंगर की मदद से अपने लिड एरिया पे लगा लूँगी। क्योंकि हमारे पास आज ब्रश यूज़ करने का ऑप्शन नहीं है, सो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड या वेरी केयरफुल वाइल अप्लाइंग सो, और फिंगर की मदद से ही अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि कुछ हार्श लाइंस या कुछ पैचेस इसमें ना रह जाएं। आई होप कैमरा पिक कर पा रहा है ये कलर, बहुत प्यारा सा हल्का सा शिमरी शेड है ये, और मैं ब्लेंड करते हुए हल्का सा इसको अपने क्रीज एरिया तक भी ले जाऊंगी और उसी से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। बिल्कुल ज़रा सा फॉल आउट इसका हुआ है गाइस, तो मैं एक वेट वाइप लेके हल्के हाथ से इसको पोंछ लूंगी, बहुत ही मामूली सा फॉल आउट था। और अब मैं क्या करूंगी कि उसी पाउडर को स्पंज को डिप करके हल्का सा वहाँ ले लूँगी, हाई कवरेज पाउडर है ये, तो वो उसी में इसका सारा कवर अप हो जाएगा। वापस से सेम शेड पिक करूँगी अपने फिंगर्स की मदद से और लोअर लैश लाइन पे इसको मैं हल्का हल्का लगा लूँगी। मैंने अभी तक काजल अप्लाई नहीं किया है वरना उसके साथ ही स्मज आउट कर लेती, बस बिल्कुल हल्का सा एक कलर देने के लिए लोअर लैश लाइन पे मैं दोनों आँखों में इस तरह इसको लगा लूँगी। आईब्रोज के लिए आज मैं ले रही हूँ कलर बार का ये आईब्रो पेंसिल, आई एम इन शेड चेस्टनट। गाइज ऑफ कैमरा मैंने अपने आईब्रोज कर लिया और आईलाइनर भी लगा लिया लैक्मे इंस्टा का, और अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ ओरिफ्लेम का ब्रॉन्जर, जियोडानी गोल्ड सीरीज का ये है, आई एम इन शेड डार्क ब्रॉन्ज। अब इसी के साथ ही पफ मिला है, तो अगेन हम लोग अलग से कोई ब्रश या पफ यूज़ नहीं कर रहे हैं, एंड लुक एट द पिगमेंटेशन, हाईली पिगमेंटेड है ये, आप इसका इफ़ेक्ट देखो स्किन पर कितना अच्छा आ रहा है, कितना प्यारा सा कलर मुझे मिल गया है। और इसी से ही मैं ब्रॉन्ज अप कर लूँगी काइंड ऑफ कंटोरिंग अपने फोरहेड पे, और जॉ लाइन पे भी मैं इसको लगा लूँगी जैसे कि कॉन्टोरिंग करते हैं या हम ब्रॉन्ज अप करते हैं। मस्कारा के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का वॉक फ्री मस्कारा, ये अफोर्डेबल है और अच्छा वर्क करता है, आप देख सकते हैं मुझे पसंद है ये, तो आज मैं इसी को ही अपने लैशेस पर लगाऊँगी। हाइलाइटर टाइम, टाइम टू ग्लो, and this is my all time favorite Wet n Wild का precious petal, finger की मदद से अपने ring finger से मैं इसको लगाऊंगी, और क्योंकि again brush use नहीं कर रही हूँ मैं, तो बहुत carefully इसको लगाना है, and you know how pigmented it is, I'm sure बहुत लोग इसको use करते हैं और काफ़ी लोगों का ये favorite भी है, मेरा ये all time favorite है, number one फेवरेट के लिस्ट में है ये, तो मैं अपने फिंगर की मदद से इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्रिज ऑफ माय नोज मैं इसको लगाऊंगी, लुक एट द ग्लो मैन, आई एम इन लव विद दिस हाइलाइटर, इनफैक्ट आई एम ऑब्सेस्ड विद द हाइलाइटर्स, मेरे पास जितना हो उतना ही कम है। अपने चिन पे लगा लूँगी एंड क्यूपिड ऑफ द क्यूपिड बो पे भी लगा लूँगी, चिन पे लगा करके अच्छे से इसको ब्लेंड करना है।
और सेम हाइलाइटर को ही मैं फिंगर की मदद से अपने ब्राउ बोन पे लगा लूँगी टू हाईलाइट द ब्राउ बोन, सो दैट थोड़ा सा लिफ्टेड लगे, थोड़ा सा डिफाइन लगे, और दोनों ब्राउ बोन्स पे ही मैं इसको लगा लूँगी। फोरहेड पे मैं ये हाइलाइटर लगाऊंगी और फिंगर की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट कर लूँगी। अब आती है लिपस्टिक की बारी, तो उसके लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 का वेटलेस मैट मूस, मुझे बहुत पसंद है, और आई एम इन शेड कोको सॉफ्ट, जो मेरे टॉप के साथ भी अच्छा जा रहा था। ये काफ़ी, इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है गाइस, मैट है बट एकदम ड्राई आउट नहीं करता आपके लिप्स को। वेट एंड वाइल्ड के सेटिंग स्प्रे से मैं अपने फेस को सेट कर लूँ। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक, उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास सारे ब्यूटी टूल्स हो, बिना ब्रश और बिना ब्यूटी ब्लेंडर के भी हम लोग मेकअप कर सकते हैं। आज के वीडियो के थ्रू मैं यही आपको बताना चाह रही थी। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया हो, और आपको भी लगे कि आप इस तरह से बिना ब्रशेस एंड ब्यूटी स्पंज आप ये मेकअप कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। पसंद आया हो मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाजू में एक नोटिफिकेशन का बेल है उसको हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको उसका अपडेट सबसे पहले आए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।